और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे, जहां पर प्रेस क्लब हरिद्वार में शहर व्यापार मंडल के चुनावों को लेकर नियुक्त चुनाव अधिकारियों ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रेस वार्ता में चुनाव को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से व्यापार मंडल के चुनाव नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर अब चुनाव करवाया जा रहा है और जिसके लिए चुनाव अधिकारी के तौर पर चुनाव संयोजक अमरीश कुमार एडवोकेट और साथ ही सुभाष चंद्र को भी यहां पर बनाया गया। एक चुनाव अधिकारी महिराज कृष्ण सेठ अवधेश मनोज सिंह को भी नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवक्ता शेखर वर्मा ने बताया, जिन्होंने यहाँ पर जो है जानकारी देते हुए कहा है कि यहाँ पर 28 अप्रैल को 12 बजे तक मतदान की सूची को अंतिम रूप देकर सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 29 अप्रैल को 10 बजे से 5 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे और वहीं 30 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जो है नाम वापस लेने का जो है वो निर्धारित किया गया। इसके पश्चात दिनांक 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक काली कमली धर्मशाला में मतदान किया जाएगा और वहीं 5 बजे मतदान का परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। 2 वर्षों से कोरोना काल में हर क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, युवा हो, सब लोग बहुत परेशान हैं। व्यापार बहुत घट गया है। इस विषय में व्यापारियों में आपस में भी हम लोगों ने विघटन बहुत था, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से विगत 9 वर्षों बाद शहर व्यापार मंडल ने, क्योंकि मैं शहर व्यापार मंडल का कानूनी सलाहकार हूँ, सब हम लोगों ने मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से सभी व्यापारियों का शहर व्यापार मंडल का चुनाव करने की घोषणा की। जो भी व्यक्ति, जो भी व्यापारी नामांकन करना चाहते हैं अपना प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, उसका सदस्य होना उसका अनिवार्य है। वो सदस्य हमारे यहाँ 29/4/2022 को 10 बजे से 5 बजे तक होटल सिटी सेंटर में सुभाष जी से संपर्क करके और वो वहाँ से नामांकन पत्र ले सकता है। 30 तारीख को शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति जो नामांकन भरे हुए है वो अगर नाम वापसी लेना चाहता है तो वो 30 तारीख को शाम 5 बजे तक अपना नाम भी वापस ले सकता है। हमारे नगर के विगत कई वर्षों से चुनाव व्यापार मंडल के नहीं हुए थे, जिले ने चुनाव व्यापार मंडल कराने के लिए हम लोगों को नियुक्त किया है। उसी सिलसिले में हम जो चुनाव कार्यक्रम है उसको घोषित करने के लिए यहाँ पर बैठक की है। लगभग 52 इकाइयाँ हैं जो इस चुनाव के अंदर भाग ले रही है, जो शहर से हमारे व्यापार मंडल से जुड़ी हुई है। तो पहले से पदाधिकारी उनसे आपने बातचीत की है? वो लोग जो है त्यागपत्र दे चुके हैं, उनका त्यागपत्र प्रदेश ने और जिले ने स्वीकार कर लिया है।